हे दोस्तों, मैं मुकेश और मैं आज बात करने जा रहा हूँ कंटीन्यूअस कास्टिंग मशीन के अंदर लैडल, टंडिश और मोल्ड में कौन कौन से कंट्रोल पैरामीटर्स हो सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं टेम्परेचर कंट्रोल, मोल्ड ऑसिलेशन और हीट फ्लक्स। आज हम लोग जानेंगे टेम्परेचर कंट्रोल के बारे में इन लैडल एंड टंडिश। ठीक है, देखिए जो लेडल और टंडिश में जो मोल्टन स्टील होता है उसका टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज होते जाता है। ठीक है, तो जब भी हम लेडल ऑर्डर करते हैं तो वो राइट टेम्परेचर पे होना चाहिए। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम है तो ये रिस्क रहता है कि जो मोल्टन मेटल है वो लेडल में या फिर टंडिश में सोलिडिफाई हो जाएगा, इसका रिस्क रहता है। ठीक है, और अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है तो सुपरहीट जो है वो आने वाले स्टैंड के क्वालिटी पर उसके प्रतिकूल प्रभाव करेगा। ठीक है, और इससे रिफ्रैक्टरी लाइनिंग जो है वो खराब होने का चांस रहता है। और ऑफ कोर्स इससे जो है जो लेडल में मोल्टन स्टील होता है उसका जो हीटिंग फिर से किया जाएगा उसका कॉस्ट फिर बढ़ जाता है। ठीक है, इसे और अच्छे से समझने के लिए हमें दो टेम्परेचर के बारे में जानना चाहिए, एक तो है सुपरहीट और एक है लिक्विडेस्ट टेम्परेचर। देखिए, लिक्विडेस्ट टेम्परेचर वो है जिसमें एक एलॉय जो है पूरा कंप्लीटली मेल्ट हो जाता है और उस टेम्परेचर के नीचे से वो सॉलिडिफाई होना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो कंटीन्यूअस कास्टिंग में जो लिक्विडेस्ट टेम्परेचर होता है वो कंप्लीटली डिपेंड करता है स्टील के ग्रेड पे। ठीक है, जो कि यूज हो रहा है वहां पे, इसका रेंज 1450 से 1530 डिग्री के बीच हो सकता है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर लो कार्बन स्टील है जो कि कार्बन का परसेंटेज 0.2% है तो इसका लिक्विडेस्ट टेम्परेचर होगा 1521 डिग्री। ठीक है, और अगर हाई कार्बन स्टील होगा तो इसका लिक्विडेस्ट टेम्परेचर होगा 1486। ठीक, अभी सुपरहीट क्या है, जो लिक्विडेस्ट टेम्परेचर होता है, ठीक है, 1450 से 1530 के बीच, ठीक है, इस टेम्परेचर के एवोव होना चाहिए जब मोल्टन स्टील जो है मोल्ड में पोर किया जाता है। ठीक है, तो इसके ऊपर जो लिक्विड टेम्परेचर होता है उसके ऊपर वाले टेम्परेचर को सुपरहीट बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए टंडिस का टेम्परेचर है 1540 और ये 1520 फिक्स रहता है। ठीक है, तो सुपरहीट कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर टंडिस का टेम्परेचर 1545 है तो यहाँ पे सुपरहीट कितना हो जाएगा, 25, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट, जैसा कि हम लोगों ने पहले बात किया था कि लेडल का टेम्परेचर जो है वो सही होना चाहिए। ठीक है, जो लेडल में रिफ्रैक्टरी लाइनिंग होती है वो अगर सही है तो हीट लॉस बहुत कम होता है। ठीक है, अगर रिफ्रैक्टरी लाइनिंग सही से नहीं हुई है, स्प्रे सही से नहीं हुआ है तो हीट लॉस बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे आपको इस ग्राफ में दिख सकता है कि ये जो है इस ग्राफ में 1500 से लेके 1600 के बीच का टेम्परेचर है यहाँ पे, और इधर जो है लेडल्स ओपनिंग है, ये टाइमिंग है। ठीक है, यहाँ पे जो रेड टाइप का दिख रहा है ये ग्राफ में, ये है लेडल का टेम्परेचर, और ये जो ब्लू लाइनिंग है ये है टंडिस का टेम्परेचर। ठीक, यहाँ पे तीन लेडल है, लेडल वन का टेम्परेचर है 1580, लेडल टू 1580, लेडल थ्री 1580, सब का ओपनिंग हुआ है। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट लेडल ओपनिंग हुआ 1580 डिग्री का टेम्परेचर है यहाँ पे। ठीक है, 1580 डिग्री का टेम्परेचर है, ये लेडल ओपन हुआ, उसके बाद टाइमिंग यहाँ पे देखिए 35 तक आ रहा है, यहाँ पे 35 मिनट्स हो रहा है और ये खत्म हुआ। यहाँ पे देखिए टेम्परेचर जो डाउन हुआ है वो 1580 था पहले, 35 मिनट में 1562-63 के करीब है। ठीक है, और यहाँ पे जो फर्स्ट लेडल का जो ओपनिंग हुआ उसी टाइम यहाँ पे टंडिस का टेम्परेचर देखिए 1540 था, जो कि बढ़ के हो गया 1570, फिर घटते 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 यहाँ पे आ गया 1565 तक। ठीक, ये सेकंड लेडल जो ओपनिंग हुआ, ठीक, तो टेम्परेचर राइज हो गया 1580 फिर से, ये सेकंड लेडल है जो कि लगा यहाँ पे सेकंड लेडल,
और यहाँ पे टेम्परेचर राइज हुआ 1500 से, फिर से ये घटते हुए आई 1560 तक। फिर यहाँ पे जो है ये टंडिस का टेम्परेचर जो कि 1565 था फिर बढ़ गया 1570 से ऊपर गया 1572-73 के करीब, फिर से डाउन हुआ। ठीक, जब ये थर्ड लेवल कनेक्ट हुआ, यहाँ पे देखिए 35 मिनट के बाद यहाँ पे थर्ड लेवल कनेक्ट हुआ, फिर से टेम्परेचर राइज हुआ लेवल का, फिर से जो टंडिस का टेम्परेचर है वो भी राइज हुआ इसी तरह से। ठीक, यहाँ पे और एक चीज आपको दिख रहा है, यहाँ पे अप्रोक्स लिक्विडिस टेम्परेचर, ठीक है, जो कि 1450 से 1530 के बीच होती है। ठीक है, ये अप्रोक्स में है। ठीक, तो लिक्विडिस टेम्परेचर से ऊपर ही रहता है तभी कास्टिंग हो पाती है। ठीक, सुपर हीट में होना चाहिए। यहाँ पे टंडिस का टेम्परेचर 1540 है और इसको अगर 1520 से माइनस करेंगे तो सुपर हीट कितना निकलेगा, 20 डिग्री। ठीक, और एक एग्जांपल दिखाते हैं आपको, जब लेडल का टेम्परेचर अलग अलग होता है। यहाँ पे देखिए, जब फर्स्ट लेडल कनेक्ट हुआ, फर्स्ट लेडल तो उसका टेम्परेचर है 1580, सेकेंड लेडल जब कनेक्ट हुआ तो उसका टेम्परेचर है 1570, थर्ड लेडल जब कनेक्ट हुआ तो उसका टेम्परेचर है 1560। ठीक है, अभी देखिए फर्स्ट लेडल यहाँ पे कनेक्ट हुआ 1580 में, टाइम के साथ 35 मिनट्स के बाद मेटल कम हो रहा है और उसका टेम्परेचर भी कम हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कितना पे आ गया, 1562-63 पे आ गया। ठीक, अभी टंडिस का टेम्परेचर 1540 था, 1570 आते ही फिर से घटना चालू हुआ, 1565 तक आया, फिर सेकेंड लेडल जो है 1570। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1570 में कनेक्ट हुआ, फिर कम होना स्टार्ट हुआ मेटल का लेवल और टेम्परेचर दोनों, टंडिस में भी सेम टेम्परेचर डाउन हुआ। ठीक, फिर से थर्ड लेवल जो कनेक्ट हुआ 1560 में, फिर से टेम्परेचर राइज हुआ यहाँ पे 1560। ठीक, फिर से इसका टेम्परेचर डाउन होना स्टार्ट हो गया, सेम टंडिस का भी टेम्परेचर कम होना स्टार्ट हो गया। दोस्तों, आई होप इस वीडियो से आपको जानकारी मिली है कि लेडल और टंडिस में टेम्परेचर का क्या महत्व है, कितना मेंटेन करके रखना पड़ता है, ये सारी चीजें। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।